भारत ने आखिरकार बदला ले लिया। बदला 19 नवंबर 2023 के वनडे वर्ल्ड कप का। 24 दिन 52 मैच और 20 टीमों के बीच हुए मुकाबले के बाद आखिरकार वो चार टीमें मिल गई जो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में खेलेंगी। ये पहली बार हुआ है जब बड़ी बड़ी टीमें सुपर एट और सेमीफाइनल से बाहर है। कल भारत ने कंगारू को रौंदा और आज अफगानिस्तान ने नागिन डांस करने वाले बांग्लादेशियों को। दोनों ही टीमों ने ऐसा खेल दिखाया कि 2021 की T20 विश्व कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई। अफगानी खिलाड़ियों के आंखों में जीत की खुशी दिखी तो भारत के खिलाड़ियों और फैंस के मन में ऑस्ट्रेलिया से बदला लेकर सुकून नजर आया। जीत के हीरो ने ऐसा खेल दिखाया कि दुनिया कायल हो गई। रोहित ने बेस बनाया, अर्शदीप ने कंगारुओं को छकाया, विश्व कप में हो गया चमत्कार, सेमीफाइनल्स में अफगान इस बार। जी हां, इस बार T20 विश्व कप में कुछ अलग रंग दिखे और वो सब कुछ दिखा जो अब तक नहीं देखा गया, और उसे देखकर इतना ही कह सकते हैं, जो तपते हैं, जो जलते हैं, वो शेर कहलाते हैं। जो तपते हैं, जो जलते हैं, वो निखरते हैं। सौभाग्य हर दिन नहीं सोता, देखिए आगे क्या क्या है होता। अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरह का खेल दिखाया, अगर ये कहें कि देखिए आगे आगे होता है क्या, तो गलत नहीं होगा। राशिद की सेना ने T20 वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया, ऐसा इतिहास जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को ऐसा धोया कि ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश एक साथ बाहर हो गए। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें ही खत्म हो गईं। ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल्स में पहुंचने के लिए भारत को हराना था, लेकिन वो ऐसा कर ना सके। रोहित के रनों की आंधी के सामने और गेंदबाजों के कहर बरपाती गेंदों के सामने वे चारों खाने चित हो गए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की निगाहें अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच पर रही थी, लेकिन अफगानिस्तान की टीम ने ऐसा खेल दिखाया कि कंगारुओं के सारे ख्वाब धुल गए। अब बिना ट्रॉफी उन्हें लौटना होगा। दोनों मैचेस में कई जीत के हीरो रहे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मैच में रोहित ने बेस बनाया। हिटमैन ने 41 गेंदों में 92 रनों की धुआंधार पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 8 गगनचुंबी छक्के लगाए, तो वहीं 7 चौके। फिर सूर्य कुमार यादव ने 16 बॉल में 31 रन बनाकर टीम को 150 के पार पहुंचाया। सूर्या के बल्ले से 2 छक्के और 3 चौके निकले। सूर्या के आउट होने के बाद शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने पारी संभाली और शिवम दुबे ने 22 गेंद में 28 रन बनाए, तो वहीं कुंगफू पांड्या ने 17 गेंदों में 27। इन बल्लेबाजों की बदौलत भारतीय टीम ने एक पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया। भारत ने 5 विकेट पर 205 रन बनाए और 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कंगारुओं की टीम को गेंदबाजों ने 181 रन पर समेट दिया। गेंदबाजों में जीत के हीरो रहे कुलदीप यादव, 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट झटके। कुलदीप यादव ने 205 रन की ओर आसानी से बढ़ रही ऑस्ट्रेलियाई टीम की गेम पर ब्रेक लगाया। खतरनाक दिख रहे मिचेल मार्श और ग्लेन मैक्सवेल को पवेलियन की राह दिखाई। दूसरी तरफ सरदार अर्शदीप लगातार कंगारुओं को छका रहे थे। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट झटके। अर्शदीप ने खतरनाक ओपनर डेविड वार्नर को 6 रन पर पवेलियन भेजा। इसके अलावा मैथ्यू वेड और टिम डेविड उनके शिकार बने। अर्शदीप ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को फर्श पर ले आए। बुम बुम बुमराह को भला कौन भूल सकता है, जिन्होंने खतरनाक ट्रेविस हेड को 43 बॉल में 76 रन बनाने के बाद चलता किया, पवेलियन का रास्ता दिखाया। बुमराह ने भले ही 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट लिया, लेकिन ये वो विकेट था जिसकी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत को छीन लाए। उधर ऑस्ट्रेलिया हार के साथ 2 अंकों पर ही सिमट कर रह गई है। भारतीय टीम ने कंगारुओं को 2023 का हिसाब पूरा करके उनके घर रवाना कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो खबरें लगातार जारी है, यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।